तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी साइट पे आया हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी किन्हीं किन्हीं इंटरव्यूज़ में सिविल इंजीनियर से ऐसे बेसिक पॉइंट्स पूछ दिए जाते हैं और सिविल इंजीनियर को उनका सही आंसर देना होता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है इस नीडल वाइब्रेटर के ऊपर, जिसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जब आपकी साइट पर कंक्रीटिंग हो रही है तो इस नीडल वाइब्रेटर को कितनी लेयर की कंक्रीट कास्ट करने के बाद में लगाना होता है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू एच पर आईएस कोड, कोई भी कॉन्क्रीट की लेयर हो वो मैक्सिमम 450 mm तक कास्ट की जानी चाहिए और उसके बाद में इस नीडल वाइब्रेटर को 450 mm तक ही लगाना चाहिए अगर आप लेयर बाय लेयर में कंक्रीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जो एक स्टैंडर्ड लेंथ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो लेंथ है यहाँ पर देखेंगे तो ये 450 के आसपास जा रही है। और अगर कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये कॉलम की अगर आपको कंक्रीटिंग करनी है और इस कॉलम की हाइट आपकी 2 मीटर की है तो इसको आपको बेसिकली 4 लेयर में कास्ट करना होता है, जिसमें 450 mm की एक लेयर डाल के फिर आपको वाइब्रेटर लगाना है, फिर दूसरी लेयर जो है वो 450 mm की डालनी है, फिर उसके बाद में वाइब्रेटर लगाना है। तो यानी कि कहने का पर्पज ये है कि हमारी आईएस कोड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप नीडल वाइब्रेटर लगा रहे हो, आपकी राफ्ट है, कॉलम है या कोई भी ऐसा मेम्बर है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है तो 450 mm मैक्सिमम रखना है और उसके बाद में इस नीडल वाइब्रेटर को लगाना होता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो आप स्लैब का रेनफोर्समेंट स्टील देख रहे हैं जो अभी बांधा हुआ है हमने प्रॉपरली, तो इसमें सवाल होता है कि ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, यानी कि आप देखिए ये वाला बार, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो इसको बेसिकली हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्लैब के रेनफोर्समेंट में। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो आपका बार है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यहाँ पर भी देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो इसको प्रोवाइड करने का रीज़न क्या होता है? तो इसका जो मेन जो पॉइंट है आपको बताना होता है कि जो आपका मेन बार है, यानी कि जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है, ये वाला आपका मेन रेनफोर्समेंट है, तो इनको पोजीशन में रखने के लिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपका चारों तरफ जो मेन बार की पोजीशन है जो कि आपका टॉप में है, तो उसको पोजीशन में स्पेसिंग को एज पर ड्राइंग मेंटेन करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन है एक इंटरव्यूअर के माइंड में कि आपकी साइट पे कंक्रीटिंग चल रही है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, और कोई भी एक इंजीनियर आता है वो साइट पर इंस्पेक्ट करता है और देखता है कि सपोज इस बीम के रेनफोर्समेंट की जो डेवलपमेंट लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट हो गई है इस कॉलम में, यानी कि इस बीम में जो रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड किया गया है और ये वाली जो आपकी LD की लेंथ है यहाँ से इस बीम के अंदर जो गई हुई है वो H पर ड्राइंग शॉर्ट है, तो उस केस में एक सिविल इंजीनियर को क्या करना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि साइट पे आपकी कंक्रीटिंग चल रही है और रेनफोर्समेंट स्टील बांधा जा चुका है, क्योंकि रेनफोर्समेंट स्टील को आप दोबारा खोल के उसको ठीक कर नहीं सकते हो, तो ऐसे पे आप क्या डिसीजन लोगे अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आपको कहना होगा उस टाइम पे कि जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो हमारी कंक्रीट के ग्रेड पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर हमारी M30 ग्रेड की कंक्रीट है तो हमें यहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड इस कॉलम वाले पार्ट में इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि M45, M40, M50 जितने पार्ट में हमारी डेवलपमेंट लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाए तो उस ग्रेड की कंक्रीट हमें इस कॉलम में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसकी यानी कि कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो यानी कि आप आसान सी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी आप सामने देख रहे हैं, आपका जो रेनफोर्समेंट स्टील है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि उस पार्ट के लिए जो रेनफोर्समेंट स्टील है अभी बांधा जा रहा है। और इस पार्ट में आप देखेंगे तो आपकी कॉन्क्रीटिंग चल रही है, तो इस स्लैब को कास्ट करते टाइम पर आपको यहाँ पर कहीं एक स्टॉपर लगाना पड़ेगा। तो वो स्टॉपर जो है आपकी कितनी डिस्टेंस पे लगता है, तो इसका आंसर होता है कि जो भी आपका स्लैब का स्पैन है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट से लेके उस बीम तक की लेंथ तक, तो इसकी जितनी भी लेंथ है तो उसका LY3 पे आपको ये स्टॉपर लगाना होता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं, अगर मेरी ये वाली हाइट 7 मीटर 200 है, तो यहाँ पर ये जो स्टॉपर है LY3 यानी कि 2200 से 2300 के आसपास लगा होगा, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट है, यानी कि जो लोड है इस स्लैब के ऊपर, तो वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका बैलेंस करता है। तो हमेशा जो आपके स्टॉपर लगते हैं स्लैब की कास्टिंग करते टाइम पर, जहाँ पर भी आपको कंक्रीट स्टॉप करनी हो, तो वो आपकी टोटल स्पैन की लेंथ का L/3 पे लगाना होता है, और ये आपकी क्लियर स्पैन पे लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी एक स्लैब की शटरिंग लगी हुई है और मैं उसके नीचे खड़ा हुआ हूँ, तो इसमें एक सवाल पुटअप किया जाता है इंटरव्यू में कि ये जो आपका यू जैक है या फिर आपका बेस जैक है, यानी कि दो जैक होते हैं जो आपकी शटरिंग में यूज किए जाते हैं, तो पॉइंट ये है कि इस यू जैक को लगाते टाइम इसकी जो आप ये थ्रेड देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो उसको कितना ओपन किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये जो यू जैक यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं जूम कर देता हूँ, जैसे कि देखिए एक यू जैक यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि इसको स्लैब की शटरिंग लगाते टाइम कितना ओपन किया जाना चाहिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी साइट पर काम कराएं तो इसको कभी भी 50% से ज़्यादा ओपन नहीं करना होता है, यानी कि इसकी जो भी थ्रेड है ये आपको सिर्फ 50%, यानी कि यहाँ कहीं इस पॉइंट तक ओपन करना है, क्योंकि अगर आप यू जैक की थ्रेड को ज़्यादा ओपन कर दोगे तो इसके बल्ज होने के चांस बढ़ जाते हैं और आपकी शटरिंग फेल भी हो सकती है, यानी कि स्लैब गिर भी सकती है जब उसके ऊपर लोड आएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, आपका यू जैक हो या फिर बेस जैक हो, तो इसको हमेशा 50% तक ही ओपन करना होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि जब हम साइट पर मेजनरी का काम कराते हैं, यानी कि ब्रिक वर्क का, और ईंटों को यानी कि ब्रिक को यूज करने से पहले हमें उसको प्रॉपरली वेट करना होता है, तो सबसे पहले आप ये वाला मेथड देखिए, ये टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि हमारी CPWD या IS कोड की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपको कोई भी मेजनरी का काम करना है तो उस ब्रिक को एटलीस्ट 6 आवर तक वाटर में डिप करके रखना है, और फिर उसके बाद में उन ईंटों को आपको मेजनरी में यूज करना है। तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन याद रखनी है कि जब किसी भी ब्रिक को हमें यूज करना है तो हमारी उसकी जो सोकिंग का जो एक ड्यूरेशन है, जो एक टाइम है, वो मिनिमम 6 आवर का है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जिसके लिए बारे में सिविल इंजीनियर्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये जो हाइवा ट्रक आप सामने देख रहे हैं, तो जब कभी ट्रिप की कैलकुलेशन करनी हो या मिट्टी की एक लमसम आइटम बनाना हो, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हाइवा के अंदर कितनी मिट्टी आ जाती है, यानी कि कितनी क्वांटिटी इसमें आनी चाहिए। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा आंसर देना है, 14 से 15 क्यूबिक मीटर लूज सॉइल हमारी इस ट्रक में कवर की जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला सवाल है कि ये जो हमारे AAC ब्लॉक्स हैं जो हमारे मेजनरी में यूज होते हैं, तो इनकी डेंसिटी कितनी होती है, तो इसका आंसर आपको देना है 550 केजी से लेके 650 केजी पर क्यूबिक मीटर के बीच में हमारी AAC ब्लॉक की डेंसिटी होती है। और वहीं अगर आप बात करोगे रेड ब्रिक्स की, तो जो आप ये रेड ब्रिक्स देख रहे हैं इसकी डेंसिटी होती है हमारी 1920 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो यानी कि ये 3 times लाइटर है कंपेयर टू रेड ब्रिक्स। तो ये सवाल भी एक जनरल क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में सिविल इंजीनियर से पूछ दिए जाते हैं।